भास रहा हो आप? रुक जाओ आलन, आ जा रहा हूँ वापिस, आ जाऊ वो बाद में खोलेंगे, इधर तो आ पहले। हाय मम्मी। हाँ जी फिर दोस्तों सत श्री अकाल, वेलकम बैक एक और वधिया जब ब्लॉग कर अपना चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिहल। सो अरनास कौर लगी सी कि सोन कैसे उन्होंने उठाया है, क्या कि चल दादी नू बाहर लेके जाओ, इस चक्कर दादी नू बाहर जाना पड़ता है। नहीं मैं तेरे तो पहले ही उन्होंने कह रही थी चल बाहर चलिए थोड़ा। अच्छा चलो आ जा। अरु अपनी ड्यूटी निभा रही है ना, अरु है, अरु अपनी ड्यूटी निभा रही है, दादी नू बाहर लेके आऊगी। हाँ अरु नू बहुत ज्यादा खांसी हो रखी है, है ना, एकदम गला बंद हैगा इहदा, हुणे दवाई लैके आनी है। सो मैं सोच रही हाँ फटाफट जो है रोटी सब्जी बना लवां ते फिर ओके हो तू थोड़ी अगे और थोड़ी अगे। हाँ ते पापा हरजी ते बिजी होना है, पापा नाल जाके इहदी दवाई लैके आवां मैं। आ जाओ, मैं हजे बैग भी अनपैक नहीं किया, हुण मैं बैग भी अनपैक करना क्योंकि मेरे हिसाब नाल अज राती जीत तुर पैणी है, मतलब जिस दिन तुसीं ब्लॉग देख रहे हो उस दिन मेरे हिसाब नाल जीत आ जाएंगे। सो बैड वगैरह खाली करूँगी, समान वगैरह, तो हूँ जा रही हूँ धोन वाले कपड़े मशीन च पान। चलो चलो, वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड मम्मी, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। फिर ढिड अंदर हो गया लगता है। हाय मम्मी मेरी पतली हो गई ना, चलो हो गया लगता ना। खड़ी हुई है ना, तुमको तो चले। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तेरा वो चक्रा जा चक्का थल्ले, रुक जाओ, चक्रा जा मतलब है खड़े होना बालकनी च, जा दादी के साथ है, निकल गई दादी, चल चल चल। आज मम्मी देख रही है बाहर दे नजारे। हर जी, हर जी चप्पल पाई है? हाँ पाई। सौ चढ़ गया मम्मी, दीन दुनिया देखो तुसी, पानी कुछ चढ़ गया गए, साड़ी तो सुख गया, उधर तो बहुत है, इधर लेफ्ट मुड़ के ना स्विमिंग पूल बनया हुआ है, उधर किलो किलो पानी है, जाओ ले बैठो जाके। वो नहीं दर्द हुंदा उन ना, ना जख्म हाँ। मक रहा होगा, बैठो जाके बैठो, जख्म दर्द हुंदा। आज कम 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 आ जा रहे तू भी, समान साइड कर, तो हाँ इतने बैठूगी ना दादी, चलो पीछे होके बहना है, हट जा तेरी ते पीछे तो नहीं है, नहीं नहीं बैठो, हाँ पीछे कुछ पैर चुभे हैं, ऐसा पैर नकून। चल पक्का ऑन कर दिए, चलो एंजॉय, चलो तो खेलें, अब खेलो अब दादी के साथ, चलो जा होमवर्क ले, होमवर्क। लो जी ये करनी है मैं अनपैकिंग, सब तो पहले है धोन वाले कपड़े है, सब तो पहले मैं कपड़े धोन च पावांगी। बुला रही है, आई अनास कौर बुला रही है मैनू, अनास कौर आ गई, आ गई। लो जी मम्मी हुणी हुण इत्थे पढ़ा रहे अनास कौर नूं, क्योंकि जगा के भी रखना है प्लस होमवर्क भी कराना है। अनास कौर ने इत्थे बहुत खलारा पाया होया है, भी सांभण दी हने अनास कौर दा न्यू मेकअप किट पूरी, ते मैं क्या चलो अज की बनाइए, आलू मटर बनाने हैं, 7 बजने वाले हैं, मैं क्या चलो आलू करती हूँ ते आलू मटर बनाने हैं। लो जी अनास को रोटी बना रही है भाई, है ना अरु, रोटी बना रहे हो ना, किसके लिए बना रहे हो? दादू के लिए बना रहे हो? अच्छा दादू को खिलानी है, दादू ने नहीं खाई फिर? खाई नहीं, नहीं खाई फिर? खाई नहीं। पक्का खाएंगे? पक्का। चल देखते हैं फिर, ठीक है चलो बनाओ भाई। सब्जी मेरी इस सीटियाँ लग चुकी हैं आलू मटर नू, ते मैं आटा भी इतना गुन्ना हुआ है, ढंग से बनाओ। आटा रख देने फ्रिज च, सवेरे काम आएगा। ते भाई साहब हो गए, मैं मैंने घबराहट हो रही, किचन च खड़े हुए मैंने कह रहे हैं, कह रही कि मैं रोटी बनानी है, मैं कहूँ तू फटाफट बना ला फिर चलिए। हाँ की होया, छोड़ मैं पेड़ा करके देनी हूँ, मैं पानी इसके अंदर, हाँ इसके अंदर ही तू पाई पेड़ा तो करने दे, इसके अंदर तो सूखे आटे अंदर। चल अच्छी रोटी बनाई हो अब, ओके चलो बनाओ फिर, सोनी सोनी रोटी बनाओ, छोटे छोटे हैंड्स नाल सोनी सोनी रोटी बादो।
ਆ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਲਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਭਟੂਰਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਲੰਬੀ ਰੋਟੀ ਬਈ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾਣੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਨ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੇ ਬਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗਰਮ ਉਹ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਾਈਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਅਰੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਬਣ ਚੱਲੇ ਆ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੰਦਰ ਤੋ ਰੋਣੇ ਲੱਗੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲੱਗਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਗਰਮ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਚੱਬ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਗਰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਛੱਡਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜੀਤ ਨੇ ਅੱਗ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਕਿਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਫਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਂ ਹੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾ ਅਨਾਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਈ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮਟਕਾ ਛੋਣ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਸ਼ ਖਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਮੰਮਾ ਫਾਈਸ਼ ਭਾ ਦਿਓ ਮੰਮਾ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਅਬ ਦਾਦੀ ਸੇ ਆਗੇ ਆਗੇ ਚੱਲਣਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਗੇ ਜਾਣੇ ਦੋ ਦਾਦੀ ਕੋ ਆਗੇ ਆਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਦੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਦਾਦੀ ਸੇ ਆਗੇ ਆਗੇ ਚਲੋ ਅਬ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਕਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੂੰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਜੀ ਅਨਾਜ਼ ਕੋਰ ਲਈ ਫਰਾਈਜ਼ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵਿਕਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦਵਿਕਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਦਵਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਵਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਰੋਣੇ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੌਸ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੂਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੌਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਸ ਰੈੱਡ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੌਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲਬੇੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੂਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸੌਸ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੌਸ ਦੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ अनाज फ्राइज बन गए आपके हॉट नहीं लग रहे आपको अड्डे हॉट है हॉट हॉट लेके आई हूँ मैं बुब्बी च ना पाए सड़ जूगी बुब्बी हॉट है ना हॉट है बुब्बी मार चक्की मारोगे बुब्बी सड़ जूगी आ बज्जी चक्की बिको बरीक जी चक्की मारी है ना अच्छो ना हाय हाय ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਬਟ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਮੰਮੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਏਗੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓਗੀ ਹੈ
मेरे मुंडे अमीर ते मैं भी मेरे बच्चे भी मैं भी चलो भाई मम्मी ने ठीक हुंदे ही हवेली ते छापा मारना ऐत की मम्मी कोलो गड्डी चलवावांगे जेड़ी गड्डी नहीं चलदी लंग जान चंगिया तरह क्योंकि ताजी ताजी सट है ना फिर सर्दियां च परेशान कर दी करती है हजे तो ऊपर जा ऊपर जा गुड़मा जा नहीं ठीक होया हजे ऊपर वाला उधर ला ना आहो सही गल है यू आर राइट मम्मी राइट टुरु लोब हां हले ठीक हो जावे मन पर ठीक हो जाएगा कोई गल नहीं सच्ची दसा ईमानदारी ना मोर हो गई हां इन्ने ठीक हो गए हैं हो ठीक हो जावांगे कोई गल नहीं उधर ना उतरी थी तो मैं थक गई थी बहुत मैंने हड्डी को टाइम नहीं थी मेरे को मानना हां कदों उतरे थे तुसी थल्ले तो हॉस्पिटल गई थी अच्छा हां हूं तो उतर ही नहीं सकती जब तक मैं पैर से पूरा वजन नहीं आंदा यस राइट मम्मी पर आज मैं तन्नू दसा मैं इन्नू छड़ के खड़ी हो गई थी ऐसे पर मम्मी स्टंट नहीं करने तुसी स्टंट नहीं करने खड़ी होई नहीं अजे नहीं होना तुसी छड़ के खड़ी कोई सी मैं पर कना की पट होया मेरे को अजे थोड़ी पट होएगा अजे नहीं बट होएगा अजे टाइम लगूगा टाइम है ना गाइस तो पहले बाबा जी अगे अरदास है कि बाबा जी अगले हफ्ते तक मैं टॉयलेट की सीट पे बैठूंगा टॉयलेट की सीट नहीं भी है जब तुम चेयर पे बैठ के उठन लग गए ना इहदा मतलब तुम टॉयलेट पे बैठ के उठन लग जाओगे अजे तुम चेयर पे बैठ के नहीं उठ सकते जो प्रैक्टिस करनी है ना चेयर पे बैठ के उठन की प्रैक्टिस करनी है जिस दिन चेयर पे बैठ के उठन लग गए उस दिन टॉयलेट पे बैठ के उठन लग जाओ उठ गए ना फिर हो जाएगा काम अरनास कौर गई है बई सो उथे मम्मी हुणा कोल मैं पापा और मैं गए ओदी दवाई लेके आए आके ओने दवाई दवुई दित्ती नाइट सूट पाया ते ओ सो गई ते असीं सारे जस्ट हुणे रोटी खा के हटे आ सो धोण वाले कपड़े का मैं धो के पाते सीगे बैग चक लिया सीगा सो मैं कहा फटाफट ए वाले कपड़े रख दी हाँ ये सारे धोते हुए है ऐ समेटने हैं बस अलमीरा से रखने हैं रख दी हाँ अनाज नूं इत्थे लै के आनी है ना रात अनाज मम्मी पापा हुणां कोल सो गई सी मैनू कल्ला छड्ड सी चो 5 मिनट फटाफट मैं सारे कपड़े सामभ के ऐसे गई और ऐसे आई लो जी बैड सारा क्लीन करके सारे कपड़े रख के मैं लड्डू पड्डू नूं इत्थे ले आया दवाई खा के मैं छोना छो गया दवाई खा के छोना छो गया नो नहीं खा के सुन लग रही ना सुती हुई शांत एकदम शांत सुभाव सो गई हुई है फाइनली फ्री हो चुकी हाँ मैं हूँ मैं सोचा मैं भी दवाई खानी हाँ मेरे ना पैर एडे एडे सुजे हुए सो मैं मैडिसिन लैके आई सी डॉक्टर टैसट कराने कहता है तो मैं क्या नैक्सट वीक कराऊंगी पर फिलहाल तुम दवाई दो अज मेरा खून कढ़वाण का कोई मन नहीं सीगा मैं क्या तुम दवाई दे दो देखो दिखाओ देखो दिख रहा मेरा गिट्टा नहीं ना नज़र आ रहा हाँ देखो गिड्डा सुजा आया है भी सुजा हुआ ऐ वाला भी ऐसे टीस सुजे आया दोनों गोडे मेरे सुजे हुए मतलब ऐ गिट्टे सुजो है गिट्टे दिखते ही नहीं एडे एडे ग्रुप है थोड़े वीडियो च फिर नहीं दिख रहे पर एडे एडे ग्रुप हो पे है
तो बहुत ज़्यादा दर्द है पैर, मेडिसिन लैके आई सी मैं, तो हम मेडिसिन खावे फिर सोवे करा रेस्ट। तो अज के लिए इन्ना ही ब्लॉग कबूल करो, होप तुम सारू होप तुम सारे वाइया लगा होगा। अब मैं कम तो आके ब्लॉग स्टार्ट किया, कल भी कम तो आके ब्लॉग स्टार्ट किया, मॉर्निंग टाइम नहीं लगा। तो सारे जने चैनल सबसक्राइब कर दौ, जिन्होंने नहीं किया वीडियो में लाइक शेयर कमेंट कर दौ। तो इदा ही सोने सोने ब्लॉग्स लैके तुम मिलती रहूँगी। सो त्रिलियन टेक केयर, टाटा बाय बाय। चैनल सबसक्राइब करके जायो, वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करके जायो, इंस्टाग्राम पर सारे फॉलो करके जायो। मिलता है नैक्सट ब्लॉग।